ये नहीं पूछता देश ने उसके लिए क्या किया। बात करते हैं एसआरके को लेकर। एसआरके की जो फिल्म पठान है जो रिलीज हुई है, रिलीज होने के बाद में कमाई के मामले में रुकने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन जो फिल्म का कलेक्शन वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और मैं आशा करता हूँ कि जल्दी फिल्म 1000 करोड़ के क्लब में भी सम्मिलित हो जाएगी और एक नई इतिहास लिखेगी। दोस्तों आए दिन जो फिल्म है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ कि इस दिन फिल्म ने कितने कमाए। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली ये जो फिल्म है संडे को इस फिल्म ने कितने करोड़ का कलेक्शन किया है और टोटल अर्निंग कितनी हो गई है। तो पठान ने डोमेस्टिक जो बॉक्स ऑफिस है उस पर सबसे तेजी से 400 करोड़ का जो आकलन था उसको पूरा कर लिया। अर्थात 400 करोड़ रुपये सबसे तेज पठान फिल्म ने कमाए और पठान फिल्म ने यह आंकड़ा पूरा करते हुए बाहुबली 2 और KGF 2 के जो हिंदी वर्जन के रिकॉर्ड था उस दोनों वर्जन को तोड़ दिया है, दोनों फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। बेसिकली पठान फिल्म ने ये 400 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ 12 दिन में कमाए हैं, वहीं पर बाहुबली ने ये रिकॉर्ड पूरा करने में 15 दिन लगाए थे और KGF 2 ने इस रिकॉर्ड को पूरा करने में 23 दिन लगाए थे। लेकिन एसआरके की जो फिल्म है उसने ये आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ 12 दिन में पूरा कर लिया है। फिल्म की बात कर तो 12वें दिन फिल्म ने कितने रुपए कमाए, तो 27 करोड़ 50 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। दोस्तों संडे था, एकदम से फिल्म का ग्राफ काफ़ी ऊपर चला गया था। अगर हम टोटल कलेक्शन की बात करें फिल्म का, हिंदी नेट कलेक्शन कितना हो गया है, 414 करोड़ रुपए हिंदी बेल्ट से इस फिल्म कमा चुकी है। दोस्तों क्या आप बताइए कि 500 करोड़ के क्लब में एंट्री लेगी या नहीं लेगी। दूसरी तरफ तमिल व तेलुगु की फिल्म की कमाई को जोड़ दें तो टोटल कमाई हो जाती है 429 करोड़ रुपए हो जाती है। वहीं पर हम वर्ल्ड वाइड बात करते हैं कि वर्ल्ड वाइड अब तक ये फिल्म कितने पैसे कमा चुकी है, तो 832 करोड़ रुपए ये फिल्म वर्ल्ड वाइड कमा चुकी है। और ये मैं आशा करता हूँ कि अभी आने वाले रिसेंट 3 या 4 दिन के अंदर ये फिल्म बेसिकली या फिर शनिवार तक फिल्म बेसिकली 1000 के करोड़ के क्लब में सम्मिलित हो जाएगी और एक नया इतिहास लिख देगी। बाकी आप क्या सोचते हैं फिल्म की कमाई को लेकर और ये फिल्म क्या आपकी नज़र में और बड़े रिकॉर्ड बनाएगी, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आप एसआरके के फैन हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलूंगा मैं इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लेकर।